बड़ा मजा आया यार, बाकायदा ये सेटअप मैंने पहली बार देखा है और मैं पहली बार सिंध यूनिवर्सिटी में आया हूं अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेलकम कर दिया आपको सिंध यूनिवर्सिटी, बड़ी मेहरबानी। और आगे वेलकम करेगा आपका अली जान। बाबा ये बैचलर लाइफ का स्टाइल है। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहि सलाम मदद, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद के सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, मौला की अमान में होंगे। आज हम जा रहे हैं जामशोरू और कल हमारी जैसे की तैयारी है ईरान, कल हम हैदराबाद से ईरान जाएंगे। वैसे मुझे जाना तो कल था लेकिन मॉर्निंग में फोग की वजह से ट्रैफिक जैम हो जाती है तो बंदा टाइम पर जहाँ पहुँचना होता है नहीं पहुँच पाता है, तो इसीलिए हमने प्रोग्राम बनाया कि एक दिन पहले निकलते हैं। जामशोरम में हमारा दोस्त गुलाम रसूल हमारी वेट में होगा, मैंने उनसे बात कर ली है, बाकी जो अपडेट है वो आगे चल के रास्ते में देते हैं। संगत हम आए यहाँ पर पेट्रोल भरवाने के लिए और हमारे साथ हैं सदाकत साहब। संगत जी हमारे साथ काशिफ साहब मौजूद हैं, आकिब और सदाकत ड्राइविंग कर रहे हैं। संगत फाइनली हम नसीराबाद पहुंच गए और टिकट हमने करवा लिए और साहब कह रहा है कि चाय पिए आखिरी चाय। साहब हेलो बाबा। अच्छो संगत लेके आई है शहनशाह होटल नसीराबाद पर चाय की चुस्की के लिए। साहब जो हाल बाबा, चाय 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 रेडी है ना बाबा? साहब अंदर जाओ सर, जन पे उर्दू साहब यार के कड़ो पे काम नहीं, मैंने कभी बोला नहीं उर्दू साहब, अब आज बोलो ना। नहीं तजुर्बा करो भाई साहब, क्या करो यार, तजुर्बा करो ना। वो आदमी मेरे को क्या उर्दू का, गरीब आदमी उर्दू नहीं बोलता है क्या? नहीं साहब नहीं आती है ना, क्या करूं, थोड़ा थोड़ा बोलो ना। हेलो साहब, अच्छा हेलो संगत, हम चाय पीने के लिए आए और हम अभी टाइम हो रहा है 4, तो साहब ने कहा कि 4:30 बजे गाड़ी है तो चलते हैं चाय पीते हैं, तो मैंने कहा चलो तो चाय पीते हैं। तो अभी मैं कह रहा हूँ कि हमारा दोस्त आकिब है वो थोड़ी उर्दू बोले, हमें भी सिखाए क्योंकि बेसिकली तो मुझे भी उर्दू थी आती नहीं है, तो साहब थोड़ी बता उर्दू गालो मेहरबानी करो। साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मालिक का। और अभी आप जो ना उर्दू जबरदस्त बोल रहे हैं, अभी आप थोड़ी इंग्लिश बोल रहे हैं। व्हाट इज मेन रिस्पोंड इज चाय पीना है होटल दे बाबा सिरा बाद माय गॉड वेयर जवा खनिया चाय दोस्त। और ये यो साहब अच्छा चल रहा है पानी प्यार हमारा दोस्त आकिब अली प्यारा बंदा है। संगत चाय आए तो फिर चाय पीते हैं, उसके बाद गाड़ी भी आने वाली है, बाकी अपडेट आपको आगे चल के देते हैं। मशहद में जन्नत सजाइया, चीका खालिक जन्नत बनाइया, उहा मौल रज़ा जी शाहिया। मशहद में जन्नत सजाइया, ओ हिते अहद शफा जो संगत पाने वक्त पर दादू में दादू में असा प्री प्यारा यामीन जतोई साहब है, आशिक थावर साहब। सो साईं जन सा राबो नी सको जल्दी जल्दी के करें, सो जैसे वो वीडियो दिसा तो उनके असा सलाम था क्यों मोहब्बत हूँ, बहुत सारी मोहब्बत। संगत हम पहुँच गए बाबा जामशोरू हमारे प्यारे दोस्त गुलाम रसूल के साथ। गुलाम रसूल चाला बाबा, वही मेहरबानी लख लाख। संगत पान चाय पीती थी हाने इतने वाह जबरदस्त,
काफी मजलूमों का फ्री में केस लड़ेगा ना काफी मजलूमों का संगत अब कहाँ तेरी बाबा अब अभी हमारी हॉस्टल में जा रही है संगत अभी जी एम हॉस्टल पे जा रही है संगत के साथ जी एम सैयद हॉस्टल संगत चाहे तो बाबा ऐसी दी के माशाल्लाह बाबा अली भाई खड़े हुए मैंने मजा दिया ना बाबा बाकायदे संगत ये हम यहाँ पर पहुँचे हैं हॉस्टल पर गुलाम रसूल हमारे साथ है अली भाई हमारे साथ है जी गुलाम रसूल भाई और सुना बाबा अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत से ठीक है ना सफा मौला के करम है बाबा कैसी लगी हमारी हॉस्टल जी एम बड़ा मजा आया यार बाकायदे ये सेटअप मैंने पहली बार देखा है और मैं पहली बार सिंध यूनिवर्सिटी में आया अंदर बड़ी मेहरबानी बाबा ये बैचलर लाइफ का स्टाइल है दोस्तों से आपने कचहरी की और गपशप भी की आपको मज़ा आया होगा मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि ये देसी जो हॉस्टल का माहौल है यहाँ पर रात गुजारने का मौका मिला है दोस्तों से और कचहरी होगी हम मिलते हैं कल एक नई सुबह के साथ तब तक के लिए खुदा हाफिज़।